वर्क फ्रॉम होम ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है, दोस्ती सिखा दी है, दोस्ती टेक्नोलॉजी से। 1981 में जब एडम ऑसबर्न ने लैपटॉप इन्वेंट किया होगा, तब उन्हें कहां पता था कि ये 2020 में उनके लैपटॉप का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा होगा। वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लासेस, सबके लिए आपको एडम के लैपटॉप की ही जरूरत पड़ रही है। खैर, आपने वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो स्टोर वाले पूरी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लैपटॉप की खासियत गिनवाते हैं। ऐसे में होता क्या है, आप लैपटॉप खरीदने के लिए मान तो जाते हैं पर पूरे तौर पर कन्विंस हुए बिना। पर मैं आपको बताऊंगी उन्हीं लैपटॉप्स की खासियत बिल्कुल वैसे जैसे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पैंडेमिक की वजह से आपके बच्चे स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। जब बात महीने दो महीने की थी तो स्मार्टफोन से बच्चों का काम चल जाता था, लेकिन अब ये रोज की बात हो गई है। तो ऐसे में आई आपको बताती हूँ 3 बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में, जिनके स्पेसिफिकेशन आपके बच्चों को सूट करेंगे और जिनकी प्राइस आपकी जेब को। आज जिन 3 लैपटॉप्स की बात होगी वो हैं HP Chromebook 14, Asus E203, UltraThin और Lenovo 145। इन लैपटॉप्स के बारे में बताने वाली हूँ आपके मतलब की चीज़ें, जैसे कि लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, स्टोरेज, बैटरी बैकअप, कीमत और सबसे अहम कि आप लैपटॉप क्यों खरीदें, क्या है इसकी USP। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, आखिर में आपको टेक ट्रिक भी मिलेगी। तो चलिए बता रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए टॉप 3 लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन क्या है। HP Chromebook 14, ये लैपटॉप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तक स्मार्टफोन पर क्लासेस अटेंड कर रहे थे। HP Chromebook 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बेस्ड है। कम कीमत में बेहतर हार्डवेयर वाला बढ़िया लैपटॉप है ये। Amazon पर ये आपको 26,890 रुपए में मिल जाएगा। 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है। इसकी स्क्रीन 14 इंच की है। HP के इस लैपटॉप का वजन तकरीबन 1.5 किलो है। HP Chromebook 14 का बैटरी बैकअप लगभग 5 घंटों का है। लैपटॉप में HD वेबकैम और डुअल स्पीकर्स जैसे फीचर भी आपको मिलते हैं। क्यों खरीदें ये जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जैसा कि शुरू में ही बताया कि अगर आप एंड्रॉयड पर काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मतलब अगर आप अभी स्मार्टफोन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और फिर तुरंत आपको लैपटॉप पर स्विच करना है, तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल आप फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्रोमबुक चुनते हैं तो आपको ये इशू नहीं आएगी। क्रोमबुक 14 लैपटॉप के लिहाज से बेहतर विकल्प आपको मिल जाएगा। Asus E203 UltraThin। Asus का ये लैपटॉप Amazon पर मिल रहा है 22,890 रुपए में। इसमें आपको क्या क्या मिल रही है चीजें, तो 4GB रैम है, 500GB की स्टोरेज मिल रही है। कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में आपको वाईफाई भी मिल रहा है, ब्लूटूथ भी मिल रहा है। स्क्रीन इसकी थोड़ी छोटी है, 11.6 इंच की स्क्रीन है। लैपटॉप में स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, वेब कैमरा वगैरह सारी चीजें आपको मिल रही हैं। चूंकि नाम से ही जाहिर है कि ये लैपटॉप बहुत पतला है, UltraThin है। बैटरी इसमें आपको अच्छी मिल रही है, दमदार 8 घंटों की बैटरी बैकअप है। क्यों खरीदें, तो स्ट्रॉन्ग बैटरी परफॉर्मेंस है, आपको बैटरी बैकअप की चिंता से मुक्त रखेगा। अगर आपके इलाके में पावर कट वगैरह की समस्या है तो इस फीचर के साथ आपको इस वक्त इससे बेहतर लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगला लैपटॉप Lenovo 145। ऑनलाइन क्लासेस जैसी जरूरतों के लिए Lenovo का ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। Amazon पर ये 25,750 रुपए में मिल रहा है। 4GB रैम है, 1TB स्टोरेज है। लैपटॉप विंडोज 10 होम पर चलता है। इसकी स्क्रीन बड़ी है पिछले दोनों लैपटॉप से, 15.6 इंच की आपको स्क्रीन मिल रही है। और बिल्ट इन डुअल स्पीकर भी है, डॉल्बी ऑडियो के साथ स्टीरियो स्पीकर भी मिल रहा है। आपको 0.3 मेगापिक्सल का वेबकैम इसमें मिल जाएगा। मल्टी टच पैड जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। वजन के लिहाज से ये बाकी के दोनों लैपटॉप से ज्यादा वजनदार है। पहले दोनों लैपटॉप के मुकाबले Lenovo 145 की स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी है, जैसा मैंने पहले ही बताया। आप क्यों खरीदें, चूंकि स्क्रीन बड़ी है, बड़े स्क्रीन पर काम करने के आप आदी हैं, या आप छोटे स्क्रीन पर काम करना कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो आप बड़ी स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए ये बढ़िया लैपटॉप है। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी अगर ज़्यादा चाहिए तो Lenovo का ये लैपटॉप इस रेंज में आपकी सर्च पूरी करता है। इन तीनों में से कोई एक लैपटॉप आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी कर रहा होगा। लैपटॉप आप कोई भी खरीदें, उसकी मेंटेनेंस में ये टिप्स कभी भी भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा। तो लैपटॉप मेंटेनेंस के टिप्स क्या क्या हैं? ब्रश से आपको कीबोर्ड और किनारों की सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप अंदरूनी सफाई कर रहे हो तो ब्लोअर का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्लोअर 500-700 रुपए में मिल जाता है ऑनलाइन, आप इसे ले सकते हैं और अपने लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके इस्तेमाल के लिए ब्लोअर का ही इस्तेमाल
करना बेहतर होता है। लैपटॉप पर जब आप काम कर रहे हैं, चाय, कॉफी, पानी, जो भी लिक्विड आइटम है, बिल्कुल दूर रखिए। आपको अगर ये चीजें लेनी है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, चाय, कॉफी, सूप, दूध, जो भी पीना है पी लीजिए, टहलाएं, उसके बाद फिर काम शुरू करें। ऑन लैपटॉप की सफाई बिल्कुल मत करें। जब भी आपने लैपटॉप ऑन रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि ऑन है और साथ साथ में सफाई कर लूं, ऐसा नहीं होता। लैपटॉप ऑफ होना चाहिए, चार्ज से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तब आपने लैपटॉप सफाई करनी है। इसके अलावा तेल लगे या गंदे हाथों से टच पैड आपको बिल्कुल नहीं छूना है। तो इन टिप्स के साथ अपने लैपटॉप का ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस कल्चर अभी आगे और चलने वाला है, इसीलिए लैपटॉप की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही। लाइफ का फर्स्ट लैपटॉप 25,000 से 30,000 रुपए के बीच ही लोग ज्यादातर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको इस बजट में ही लैपटॉप्स की डिटेल बताई है। अगली बार किन गैजेट्स की कंपैरिजन आप देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करिएगा जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हों। इसके अलावा अपना खूब सारा ख्याल रखिए और अगली नोटिफिकेशन पर जरूर वापस लौटें। टेक केयर, बाय।